उत्तराखंड के हरिद्वार में सीओ सदर निहारिका सेमवाल ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि शराब का बड़ा तस्कर राजा अब स्मैक की भी तस्करी करने लगा है, जहां वे अपने ग्रोह के साथ जगह जगह स्मैक को पहुंचाता है, जिसकी सूचना उन्हें कई दिनों से मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने आज स्मैक के साथ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सीओ सदर हरिद्वार निहारिका सेमवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए एसओजी हरिद्वार को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कोतवाली रानीपुर के सलेमपुर इलाके में रहने वाला शराब का बड़ा तस्कर राजा अब स्मैक की तस्करी में संलिप्त हो गया है। यह ग्रोह बनाकर विभिन्न इलाकों में नशे की सप्लाई कर रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद एसओजी जिला प्रभारी नरेंद्र सिंह बिष्ट, हरिद्वार प्रभारी रंजीत तोमर ने कोतवाली रानीपुर इंचार्ज अमरचंद शर्मा, गैस प्लांट चौकी इंचार्ज अशोक सीर्सवाल और एंट्री ड्रग्स टास्क फोर्स के साथ इन सात्र नशे के सौदागरों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। यह टीमें पिछले कुछ दिनों से इस राजा नाम के तस्कर की तमाम गतिविधियों पर नज़र रख रही थी। गुरुवार को टीम की सूचना मिली कि राजा अपने 3 अन्य साथियों के साथ लाखों रुपये की स्मैक सप्लाई करने जा रहा है। सूचना के आधार पर स्पेशल टीम ने रानीपुरा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई कर इरफान उर्फ राजा एवं अन्य 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर तकरीबन 200 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शाम की बात है, रानीपुर क्षेत्र में ये हमारा जो गोविंदपुरा एरिया पड़ता है, यहाँ पे 4 कुख्यात लोग हमें टिप मिली थी। ये एक कंबाइन एफर्ट था ADTF, CIU और रानीपुर पुलिस का। तो हमें सूचना मिली कि यहाँ पे स्मैक का जैसे आदान प्रदान हो रहा है, तो जब हम लोगों ने फॉलोअप करा तो यहाँ पे 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया और हमें इनके साथ क्वांटिटी भी अच्छी खासी स्मैक की मिली। एक के पास 110 ग्राम, दूसरे के पास 50 ग्राम और बाकी दोनों के पास 20-20 ग्राम के अराउंड स्मैक मिला। तो ये चारों लोगों के नाम है, राजा उर्फ इरफान है एक, दूसरा ये मुशर्रफ पुत्र रियासत है, तीसरा अश्विनी पुत्र राजकुमार है और चौथा सचिन सन ऑफ महिपाल है। तो जो ये हमारा पहला जो मेन कल्प्रिट है जिसके पास से 110 ग्राम स्मैक मिली है, ये यहाँ का कुख्यात है। ये जनरली पहले तो अल्कोहल इलीगल दारू का शराब का बिजनेस करता था और इसके ऊपर अभी तक के 28 मुकदमे दर्ज हैं। बाकी जो दूसरा ये मुशर्रफ है, ये यहाँ का ही है ये रहने वाला, और जो बाकी दो हैं सचिन और अश्विनी, इनके ऊपर थाना सिद्धकुल में एक एक दो मुकदमे दर्ज हैं।